हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार भाई साहब, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं परेश रावल के साड़ी कॉमेडी सीन पर। अच्छे बाबू भाई, अबे भाई परेश रावल बहुत मस्त एक्टर है यार, और उनकी कॉमेडी भी लेवल की है। रतकड़ान करते स्टार्ट। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बस जाओ। मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, चला डालूंगा अभी। जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया। मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने, पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ, हफ्ता। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बना तो मेरा नाम है डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। चलो काम बंद करो। चल ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा। निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई। मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर हैं तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल सारी तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे पांच खोखे चाहिए, समझा? अबे पांच हो गए, पहले चार थे। भाई आपने फोन पे तो चार खोखे बोले थे ना? वो फोन पर बोला था। अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? पेट्रोल का खर्चा एक करोड़। एक करोड़ का पेट्रोल भाई? ठीक है ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो छह खोखे हो जाते। हाँ छह ही हो जाएगा। कल शाम के पांच बजे तक अगर तूने पांच खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी तीन की फैमिली छह हो जाएगी। समझा देना इसको। समझा, तीन का छह कैसे होता? अरे तीन लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? छह होंगे ना। चलो रे। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है? खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी? अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच, अब तू पांच नहीं छह ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। ओ, अबे ये गेम कर रहे हैं इसके साथ। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया? तू लाया? और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया? मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, शुरू कर दिया। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब, भाई का चौकीदार है। एक बार भाई को सलाम नहीं किया, भाई ने छह महीने तक
हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अभी इसमें क्या होगा? अरे यार ये तो डॉक्टर है ना। हाँ? भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। हाँ, जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाँ। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुँच जाइए। वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा, हर मुलाकात में वो एक खोखा बढ़ा देता है सर, और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए। मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी मेरे जी जी मत कहिए मुझे। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर है, इतना नेक काम करते हैं। पता है मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ऐसे डॉक्टर है और तू है जो क्या है। शेठी साहब मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। चोड़ा वही। फिर तू ये हमारे माय बाप हुए। मिस्टेक हो गया क्या? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तेरा काम हो गया तुझे। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। सर आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है, आप फरिश्ता है सर, शराबत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुक्म हुक्म। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इतना रुतबाई शर में जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश रखे। बेटी के रिश्ते में बहन, ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। हाँ ये बात है कि हैसियत में माँ के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानूं। नहीं नहीं मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ? मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हूँ शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब मजनू ने और जानबूझ के फंसाया ही, ताकि भाई साहब ये फंसे हमारे जाल में, ये राइटिंग रिश्ते के लिए। और बैंक और यार ये गुंडे है ना, ये खुद कह रहा था, कह रहा और कहता है कि जबान दे दी मुकरना मत, इज्जतदार ने जबान दी मुकरूंगा। बेटा प्रेश रावल, जब तुझे पता लगेगा तो तुम भाई साहब आपको पीटेगा। नहीं जब मजनू को बोलता है यार मेरे दोस्त है, चोड़ा हो गई हालांकि भाई से जो इसको खोखे के लिए कॉल कर रहे थे तो साथ भाई उदय शेट्टी भी था ये इसके। अबे हाँ, और जब आया तो चार से पांच किया, कहता है भाई ये चार से पांच क्यों, कहता है तो भाई वो खुद आया, पेट्रोल नहीं लगा, तो कहता है शुक्र है चाय नहीं पी, नहीं तो छे हो जाता। घुंगरू सेठ भी सही है वो, भाई घुंगरू सेठ को तो भाई साहब घाघरा चोली पहना के भाई वो लड़की मना दी। अबे उसने इसकी कम हटाई थी, तेरी माँ दे के आई थी या तेरा बाप दे के आया था, वो था वो यार, वो मीम डायलॉग है यार। और वो अक्सर मीम यूज होती है यार, से भाई यार मजा आ गया यार, हैवी था यार हैवी। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी वीडियो तुम कर देते हो तो बाय।